हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट का चैप्टर 2, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। गाइस, ये स्टोरी है एक मंकी की, जिसको नरेटर के ग्रैंडफादर परचेज करके लाते हैं एक टोंगा ड्राइवर से। ये उसकी पूरी स्टोरी है कि वह कैसे कैसे वो मंकी उन सबको परेशान करता है, कैसे कौन कौन से वो मिसचीव्स करता है, क्या क्या उसके साथ होता है जब तक वो नरेटर के घर पर रहता है। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया है टोटो मंकी इज बॉट। मंकी है जिसका नाम टोटो है, उसको नरेटर के ग्रैंडफादर क्या करते हैं, खरीद के लाते हैं। द नरेटर्स ग्रैंडफादर बॉट अ मंकी फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। नरेटर के ग्रैंडफादर मंकी खरीद के लाते हैं किससे, टोंगा ड्राइवर से। ही कॉस्ट हिम ₹5। कितने का खरीदते हैं वो, सिर्फ ₹5 का। इट वॉज टोटो, उसका नाम वो क्या रखते हैं, टोटो। ग्रैंडफादर ब्रॉट हिम टू कीप इन हिज प्राइवेट जू। उसको क्यों खरीद के लाते हैं ग्रैंड फादर, क्योंकि नरेटर के ग्रैंड फादर को ये शौक होता है कि वो अपना एक उनका प्राइवेट जू हो, जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को रखें। टोटो इज डिस्क्राइब, नेक्स्ट पैराग्राफ में फ्रेंड्स क्या किया गया है, टोटो को डिस्क्राइब किया गया। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, टोटो बहुत खूबसूरत बंदर था। ही हैड मिसचीफ इन हिज शाइनिंग आइज, उसकी आंखों में ही शैतानी झलकती थी। हिज टीथ वर वाइट लाइक पर्ल्स, जो उसके दांत थे वो मोती की तरह सफेद थे। हिज हैंड्स वर ड्राइड अप, उसके हाथ एकदम सूखे पड़े हुए थे। हिज फिंगर्स वर क्विक, उसकी उंगलियां जो थी फ्रेंड्स वो बहुत तेज थी। हिज टेल सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और उसकी पूंछ उसके तीसरे हाथ का काम करती थी। टोटो इज केप्ट इन अ सीक्रेट प्लेस, टोटो को क्या था, टोटो को एक सीक्रेट प्लेस में रखा गया था। क्यों, क्योंकि ग्रैंडफादर जब भी कोई एनिमल परचेज करके रहते थे, ग्रैंडमदर जो थी नरेटर की, वो बहुत गुस्सा हो जाती थी। द नरेटर्स ग्रैंडमदर फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर एडेड अ न्यू एनिमल टू हिज जू। ग्रैंडफादर की मदर हमेशा गुस्सा हो जाती थी जब जब ग्रैंडफादर क्या करते थे, कोई भी न्यू एनिमल लेके आते थे अपनी जू में ऐड करने के लिए। सो टोटो वाज केप्ट इन अ सीक्रेट प्लेस, इसलिए टोटो को कहाँ पे रखा गया, टोटो को एक सीक्रेट प्लेस में रखा गया। इट वॉज अ क्लोजेट, वो क्या थी, एक छोटी सी क्लोजेट थी, छोटी सी अलमारी थी। इट ओपन इन टू द नरेटर्स बेडरूम, जो की कहाँ पे थी, नरेटर के बेडरूम में थी। टोटो वॉज केप्ट टाइट टू अ पैग, टोटो को किस से बांध के रखा गया, टोटो को खूंटी से बांध के उस क्लोजेट में रखा गया। अब नेक्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स, अब वो मंकी है, मंकी हमें पता है कि मंकी उनका नेचर ही शरारत करना होता है। टोटोज मिसचीफ, टोटो की मिसचीफ स्टार्ट हो जाती है। अ फ्यू आवर्स लेटर द नरेटर फाउंड अ चेंज इन हिज बेडरूम, कुछ घंटों बाद नरेटर क्या देखते हैं कि उनके बेडरूम में कुछ बदलाव आया है। टोटो हैड रिमूव द ऑर्नामेंटल पेपर फ्रॉम द वॉल्स, टोटो ने क्या किया, जो वॉलपेपर लगे हुए थे नरेटर के रूम की दीवारों पे, उसको सारा का सारा हटा दिया। ही ऑल्सो पुल्ड आउट द पैक, और उसने क्या किया, जिस खूंटी से उसको बांधा गया था वो खूंटी भी निकाल दी। ही ऑल्सो टोर अप नरेटर स्कूल ब्लेजर, उसने क्या किया, जो नरेटर का स्कूल ब्लेजर था, कोट था, उसको भी क्या कर दिया, फाड़ दिया। ग्रैंडफादर सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज मिसचीफ, लेकिन ग्रैंडफादर उसकी इन शैतानियों से खुश होते थे, उनको अच्छा लगता था जब टोटो कुछ ऐसे मिसचीफ करता था। टोटो इज ट्रांसफर टू सर्वेंट क्वार्टर, अब जब टोटो ने ग्रैंडफादर उनका रूम, नरेटर के रूम को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि टोटो को हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, सर्वेंट के क्वार्टर्स में ट्रांसफर कर देंगे। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज, टोटो को अब वहां कौन सी जगह दे दी, एक बड़ा सा पिंजरा दिया गया। इट वॉज अ सर्वेंट्स क्वार्टर, उसका नाम वहां पे जिस जगह पे उसको रखा गया उसको वो सब क्या बोलते थे, अ सर्वेंट्स क्वार्टर। देयर ग्रैंडफादर्स अदर एनिमल्स लिव्ड सोशली, वहां पे ग्रैंडफादर के जो दूसरे जानवर भी थे, जो उन्होंने अपने प्राइवेट जू में छोटे छोटे जानवर और दूसरे जानवर रख रखे थे, वो भी क्या करते थे, आपस में मिलकर रहते थे। देयर वर अ टॉर्टोइस, वहां पे क्या क्या था, एक कछुआ था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, रैबिट्स थे, स्क्विरल थी और एक गोट थी। द मंकी डिडंट अलाउ देम टू स्लीप पीसफुली, लेकिन जब उन्होंने टोटो को वहां पे ट्रांसफर किया तो वो टोटो ने वहां पे भी इतनी शैतानी की कि कोई भी चैन से सो नहीं पाया। ग्रैंडफादर हैड टू लीव देहरादून, नेक्स्ट डे क्या था, ग्रैंडफादर को कहाँ जाना था, देहरादून जाना था। ही हैड टू कलेक्ट हिज पेंशन फ्रॉम सहारनपुर, किस लिए जाना था, उनको अपनी पेंशन लेनी थी सहारनपुर से। ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया कि अगर मैं टोटो को यहाँ छोड़ के जाऊंगा तो ग्रैंडमदर देख लेंगे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को क्या करेंगे, अपने साथ ले जाएंगे। टोटो ट्रेवल्स विद ग्रैंडफादर सीक्रेटली, अब उनको वो ऐसे नहीं लेके जा सकते थे तो उन्होंने वो टोटो को चुपचाप अपने साथ लेके गए। ग्रैंडफादर गॉट अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग, ग्रैंडफादर ने क्या लिया, एक ब्लैक कलर का बैग लिया। ही पुट टोटो इन टू इट, उन्होंने टोटो को उसमें रख लिया।
टोटो कुडंट टेक हिज हैंड आउट ऑफ दिस बैग. टोटो उस बैग से अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था. वो इतना इतना स्ट्रॉन्ग बैग था, इतना टाइट बैग था कि वो उसको काट भी नहीं पा रहा था. टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. जैसे ही वो सहारनपुर पहुंचे, तब तक जब तक वो सहारनपुर पहुंचे तब तक टोटो क्या था, उसी बैग में था. ग्रैंडफादर वाज कमिंग आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन. जब ग्रैंडफादर रेलवे स्टेशन से बाहर आ रहे थे तो टोटो टीटी को देखकर एकदम से उस पे गुर्राने लगा. टिकट कलेक्टर वाज टेकन अबैक. टिकट कलेक्टर क्या हुआ, एक स्टेप पीछे हो गया. ही टोल्ड ग्रैंडफादर दैट ही हैड अ डॉग विद हिम. अब टीटी को वो क्या लगा कि वो डॉग है. तो टीटी ने बोला कि ग्रैंडफादर को कि आप अपने साथ एक कुत्ता लाए हो. सो ही वुड हैव टू पे ₹3 एज अ फेयर फॉर दिस डॉग. उस टीटी ने बोला कि इसलिए आपको अब आप अपने साथ एक डॉग लाए हो तो आपको उसका भी फेयर देना पड़ेगा जो कि है ₹3. वेन आर्ग्यूड द ग्रैंडफादर दैट टोटो वाज नॉट अ डॉग. ग्रैंडफादर बार बार टीटी को बोल रहे थे कि ये कुत्ता नहीं है, ये एक बंदर है. ही हैड हिज पेट टॉर्टोइस विद हिम आल्सो. ग्रैंडफादर ने एक और महान काम किया कि वे अपने वो उन्होंने अपना उनके पास जो पेट टॉर्टोइस था वो उसको भी अपने साथ लेके चले गए. तो ही आस्क्ड टिकट कलेक्टर हाउ मच ही शुड पे फॉर इट. और बड़ी समझदारी दिखाते हुए उन्होंने टॉर्टोइस टीटी को दिखाया, टिकट कलेक्टर को दिखाया और उसको बोला कि बताओ भाई इसका भी मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा. टिकट कलेक्टर ने बोला, टिकट कलेक्टर सेड दैट इट वाज नॉट अ डॉग सो देयर वाज नो चार्ज फॉर दैट. टिकट कलेक्टर ने बोला कि ये डॉग नहीं है, ये कुत्ता नहीं है, तो इसके कोई भी चार्ज नहीं लगेंगे. टोटो को अब फाइनली ग्रैंडमदर ने एक्सेप्ट कर लिया. टोटो इज फाइनली एक्सेप्टेड इन द हाउस. फाइनली टोटो वाज एक्सेप्टेड इन द हाउस. ग्रैंडफादर गेव टोटो अ कंफर्टेबल प्लेस इन द स्टेबल. टोटो को एक अलग से जगह दी गई स्टेबल में. देयर टोटो गॉट नैना द फैमिली डंकी एज अ फैमिली कंपेनियन. वहां पे उसको कौन कौन मिला, नैना मिला और डोंकी मिला जो कि उनका क्या था, एक फैमिली कंपेनियन था. बट टोटो कंटिन्यू टीजिंग नैना. लेकिन जो टोटो था वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया. वो सबको ही क्या करता था, वहां पे टीज करता, सबको परेशान करता था और वो कभी भी दोस्त नहीं बने. टोटो एट मिस्टेक अगेन. टोटो क्या हुआ, टोटो ने फिर से कुछ ऐसी हरकत की. चैप्टर में हम अब पढ़ेंगे क्या उन्होंने किया. इन विंटर ग्रैंडफादर गेव टोटो अ लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर. सर्दियों में ग्रैंडफादर क्या करते थे, टोटो को बड़ा सा बाउल देते थे जिसमें गर्म पानी होता था. इट वॉज फॉर हिम टू बाथ इन. वो किस लिए होता था, ताकि टोटो उसमें क्या कर सके, नहा सके. टोटो वुड सिट इन साइड द बाउल. टोटो उस बाउल के अंदर बैठता था. देन ही वुड अप्लाई सोप ऑन हिज बॉडी एंड ड्रब ऑल ओवर. और ग्रैंडफादर क्या करते थे, उसकी बॉडी पे सोप लगाते थे और पूरी बॉडी पे मसाज करते थे. When the water became cold, he would come out of it. जब पानी ठंडा होने लगता था तो टोटो क्या करता था, पानी से बाहर आ जाता था. और then he would run to the kitchen fire to warm himself. और वो क्या करता था, किचन में जो अंगीठी जल रही होती थी वहां पे जाके खड़ा हो जाता था ताकि वो अपने आप को थोड़ा गर्म कर सके. If anyone laughed at him, he would refuse to bath. अगर कोई की हरकत पे हंसता था तो वो क्या करता था, नहाता नहीं था, नहाने से साफ साफ इनकार कर देता. टोटो नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ. एक दिन ऐसी घटना हुई कि टोटो खुद को बॉइल करता करता बचा. कौन सी घटना थी, चलिए फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं. वंस टोटो नियरली बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव. एक बार क्या होने वाला था कि टोटो अपने आप को जिंदा ही बॉइल करने वाला था. देयर वाज अ लार्ज किचन केटल लेफ्ट ऑन द फायर. किचन में एक बड़ी सी केटल पड़ी थी जो अंगीठी पे रखी हुई थी. इट वॉज टू बॉइल फॉर द टी. उसको किस लिए बॉइल किया जा रहा था, चाय बनाने के लिए. टोटो डिसाइडेड टू रिमूव द लिड. टोटो ने समझदारी दिखाई और क्या किया, जो केटल की लिड थी, केटल का ढक्कन था, उसको क्या किया, हटा दिया. ही फाउंड द वाटर वार्म टू बाथ. उसको लगा कि ये भी गर्म पानी है तो इससे भी क्या करना होगा, शायद से हमको नहाना होगा. ही गॉट इट. और उसने क्या किया, उसके अंदर चला गया. जस्ट देन द वाटर बिगन टू बॉयल. और तभी पानी क्या होने लगा, बॉयल होना स्टार्ट होने लगा. टोटो रेज हिमसेल्फ अ लिटल. जब जैसे ही पानी गर्म होने लगा, टोटो क्या करता, थोड़ा सा ऊपर आता केटल में से और बट ही सैट डाउन अगेन. और थोड़ी देर बाद वो वापस केटल में बैठ जाता. इसी तरीके से ही कंटिन्यूड जंपिंग अब. और इसी तरीके से उसने अपनी जंपिंग क्या करी, स्टार्ट रखी. ग्रैंड मदर केम एंड टुक हिम आउट ऑफ द केटल. तभी की तभी ग्रैंड मदर आई और उन्होंने उसको केटल से बाहर निकाला. नेक्स्ट क्या हुआ, टोटो ने फिर शैतानी की. फिर कौन सी शैतानी की, टोटो मिस्चीफ कंटिन्यू. फिर उसने कोई एक ऐसी शैतानी की. टोटो ऑलवेज मेड मिस्चीफ. टोटो हमेशा ही, क्योंकि वो मंकी है, उनका नेचर ही शैतानी करना होता है. तो टोटो ने फिर से एक और अनोखी घटना करी. ही टोर थिंग्स टू पीसेस. उसने क्या किया, जो घर में सामान थे उन सबको क्या कर, सामान थे उनको क्या कर दिया, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया. ही टोर अप द ड्रेसेस टू द
ऑफ द आंट ऑफ द नरेटर, उन्होंने क्या किया, नरेटर की जो आंट आए हुए थे घर पे उसकी भी ड्रेसेस को क्या कर दिया, सारा फाड़ दिया। वन डे द नरेटर फाउंड टोटो ईटिंग राइस ऑन द डाइनिंग टेबल। एक दिन क्या हुआ, टोटो क्या कर रहा था, डाइनिंग टेबल पर बैठ के चावल खा रहा था। ग्रैंड मदर स्क्रीम, ग्रैंड मदर उस पर चिल्लाई, टोटो ने क्या, टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। टोटो ने क्या किया, जिस प्लेट में वो खा रहा था राइस उसी प्लेट को फेंक के ग्रैंड मदर को मारा। वन ऑफ द नरेटर्स आंट रश्ड फॉरवर्ड, ग्रैंड मदर को बचाने के लिए नरेटर की आंट क्या हो उनकी तरफ दौड़ी, तो टोटो ने क्या किया, टोटो ने ग्लास, पानी का गिलास उनके फेस पर फेंक के मारा। When grandfather came, जब grandfather आए तो टोटो ने क्या किया, टोटो ran out of the dishes of pulao in his hand। टोटो हाथ में चावल की प्लेट लेके भाग गया। He ran up to the branches of the jackfruit tree। उनके गार्डन में एक जैकफ्रूट का ट्री था जिसकी ब्रांचेस पे टोटो क्या करने लगा, उछल कूद करने लगा। He threw the dish at the grandmother when she screamed at him। जब ग्रैंड मदर फिर से उस पर चिल्लाई तो जो उसके हाथ में पुलाव की प्लेट थी वो क्या किया, उसने फिर से ग्रैंड मदर के ऊपर फेंक दी। अब इन सबसे परेशान होके ग्रैंड मदर ने ग्रैंड फादर को बहुत डांटा कि आप किसी भी एनिमल को उठा के ले आते हो, देखो उसने हमारे घर का क्या हाल किया है, सारी डिशेस तोड़ दी हैं, सारी ड्रेसेस फाड़ दी हैं, सारे वॉलपेपर स्टोर कर दिए हैं। एट द लास्ट एक डिसीजन ले लिया गया, वो डिसीजन कौन सा था, टोटो वॉज सोल्ड बैक टू हिज ओरिजिनल ओनर। टोटो को डिसाइड किया कि जिससे हमने खरीदा था हम उसको वापस दे देंगे। क्यों, क्योंकि टोटो कॉस्ट मच लॉस टू द फैमिली। टोटो ने ऑलरेडी बहुत नुकसान कर दिया था फैमिली का, डिशेज वर ब्रोकन, सारे बर्तन तोड़ दिए थे, क्लोथ्स कर्टेन्स वॉल्स पेपर वर टोन, सारे कपड़े पर्दे वॉल पेपर जो थे उसने फाड़ दिए थे। फैमिली कुड नॉट बियर दिस, और फैमिली इससे ज्यादा लॉस और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए सो ग्रैंड फादर सोल्ड टोटो बैक टू दी टोंगा ड्राइवर ओनली 4 रुपीज थी। इसीलिए ग्रैंड फादर ने डिसाइड किया कि वो टोटो को वापस से जिस टोंगा ड्राइवर से उन्होंने खरीदा था उसको बेच देंगे, लेकिन सिर्फ 3 रुपए में। खरीदा उन्होंने 5 रुपए में था, अब उनको एक तो वो खरीदा 5 रुपए में, दूसरा उसने उन फैमिली का इतना सारा नुकसान कर दिया, और लेकिन जो टोंगा ड्राइवर को वापस दिया वो कितने में दिया, 3 रुपीज में। तो ये फ्रेंड्स हमारे चैप्टर की पूरी स्टोरी थी, द एडवेंचर ऑफ टोटोस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।